नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक सैड न्यूज निकल के आ रही है बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस को लेकर के। दोस्तों तुनिशा शर्मा जो कि काबुले इश्क के नाम के टीवी सीरियल में मरियम का रोल निभाया करती थी, उनको लेकर के बड़ी खबर आ रही कि उन्होंने अपनी वैनिटी वैन यानी कि जहां पर मेकअप वगैरह होता है वहीं पर अपने आप को फंदे से लटका करके अपनी जान दे दी है। जी हां दोस्तों, ये बॉलीवुड के एक्टर भी है, इन्होंने कई बॉलीवुड मूवी में काम भी किया है, लेकिन अब इनका एक शो चल रहा था जिसका नाम है अली बाबा दास्तान काबुल। उस सीरियल में इनका मेन रोल था और ये मरियम का किरदार करती थी, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि शूट के दौरान इन्होंने अपनी वैनिटी वैन में ही अपने आप को फांसी के फंदे से लटका लिया और ये अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि दोस्तों एक्टर तुनिशा शर्मा ने कुछ घंटे पहले ही अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ये वीडियो भी अपलोड किया था जहां पर वो बिल्कुल ठीक लग रही है, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी अपलोड किया था जहां पर उन्होंने इस फोटो को अपलोड किया था और वहां पर ये लिखा था कि जो अपने जुनून से इंस्पायर होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं। अब दोस्तों कुछ घंटे पहले स्टोरी और पोस्ट किया इस एक्टर ने, लेकिन कुछ घंटे बाद ही इस एक्टर ने अपने आप को फांसी के फंदे से लटका लिया। आखिर इस एक्ट्रेस ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों पुलिस ने इनकी बॉडी को अपने हिरासत में ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। बाकी दोस्तों हम सभी लोग दुआ करते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, भगवान ऐसे बुरे वक्त में इनकी फैमिली को ताकत दे।